अगले वर्ष देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सियासत अगर कहीं गर्मा रही है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने सत्ता पाने के लिए अपनी पूरी ताकतें झोंकनी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी दौरे पर हैं और वो रोज नए नए वादे कर रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशा पांडे और आप देख रहे हैं इन खबर। जी हां, उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। बता दें कि बीते कई साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुत दूर है, इसलिए इस बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। वो इस बार खुद उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं और जगह जगह जाकर लोगों से उनकी समस्याएं सुन रही हैं। इसी क्रम में आज प्रियंका गांधी चित्रकूट दौरे पर थी, जहां उन्होंने नाव पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से उनकी दिक्कतों के बारे में जाना। कई आंगनवाड़ी महिलाओं ने प्रियंका गांधी से अपनी दिक्कतों के बारे में बताया, जिस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो उन्हें ऐसी कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर वार भी किया है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको उस सरकार को वोट नहीं देना चाहिए जो सत्ता में होकर भी आपके लिए काम नहीं कर रही है, जो आपके हित के बारे में नहीं सोच रही है, आपको हक नहीं दे रही है, आपके बारे में सिर्फ आप ही सोचेंगी, कोई और नहीं सोचेगा। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगी तो कोई नहीं सोचेगा, इसलिए मौका आपके पास है। आप ऐसे व्यक्ति को या ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे। इसके साथ ही उन्होंने आशा की महिलाओं को जो दिक्कतें सहनी पड़ रही है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सत्तासीन पार्टी आपके बारे में नहीं सोच रही है, ये पार्टी आपका शोषण कर रही है। बीते दिनों प्रियंका गांधी ने ही ये ऐलान किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी फ्री दिया जाएगा। इस पर बात करते हुए आज प्रियंका गांधी ने कहा कि मोबाइल से छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें सुरक्षा मिलेगी, साथ ही स्कूटी से उन्हें सुविधा होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकेंगे, उन्हें किसी पर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दी जाएगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान पार्टी पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस महासचिव ने यह ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में तो महिलाओं को 40% सीट दी जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 50% सीट दी जाएगी। इस कार्यक्रम का अंत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने इस कार्यक्रम का नाम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसलिए रखा कि लड़की को कभी भी पीछे ना रखा जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसे लड़कियों और महिलाओं के हित के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अंत में भी महिलाओं से यही कहा कि आप अपने हक के बारे में सोचिए और अपने हक के लिए खुद लड़िए और ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजता है, वो कौन सी पार्टी होती है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाती है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।